हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी रोजगार चैनल में दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज डिस्कस करने जा रहा हूँ जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। दोस्तों तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो 1964 ईस्वी के अंदर हुई थी दोस्तों यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि राष्ट्रपति यह चाहता है कि किस बात पर मंत्रिपरिषद विचार करे तो इस बात की सूचना किसे देता है? तो इस बात की सूचना राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को देता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मौर्यकालीन भारत में भूमि कर जो कि राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? तो सीताध्यक्ष के द्वारा एकत्रित किया जाता था दोस्तों भूमि कर, जो कि मौर्यकालीन के अंदर ये ऐसी प्रथा थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित पंचवटी किस प्रकार का काव्य है? तो खंड काव्य है दोस्तों पंचवटी, जो कि मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मूल्य के संदर्भ में 1997-98 से वर्ष 1999-2000 तक 3 वर्षों की अवधि के दौरान भारत द्वारा किस वस्तु का अधिकतम कृषि निर्यात किया गया? तो जो समुद्री उत्पाद होते हैं उसका सबसे अधिक निर्यात किया गया दोस्तों 1997-98 से 1999-2000 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जो मुसलमान पैगंबर मोहम्मद की याद में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो ईद ए मिलान मनाया जाता है दोस्तों पैगंबर की याद में। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल शासक बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो मुगल शासक था बाबर, उसने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता किस वर्ष शुरू हुई? तो 1951 ईस्वी के अंदर प्रारंभ हुई थी दोस्तों मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मारिया मोंटेसरी का नाम किस विषय से संबंधित है? तो बाल शिक्षा से संबंधित है दोस्तों मारिया मोंटेसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मानव प्रतिरक्षा हीनता विषाणु के संचरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो स्त्रियों से पुरुष में संचरण की संभावना पुरुष से स्त्री की संचरण की संभावना की दोगुनी होती है, तो ये बात बिल्कुल गलत है दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक कीजिए दोस्तों, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, ताकि आप हमारी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्राप्त कर सके दोस्तों। तो अंत में जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।